हेलो गाइस, माय नेम इज विश्वराज पुरोहित एंड यू आर वाचिंग कुक विद विश्वराज। आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल बनाएंगे, वो है गणेश जी के लिए बेसन के लड्डू। ये विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हम लोग गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। उसके अंदर हम लोग 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को गर्म होने के बाद लो फ्लेम कर देनी है, क्योंकि हम लोग बेसन पकाएंगे घी के साथ, उसको एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, इसलिए वो अच्छे से कुक हो जाएगा, वरना कहीं से वो अच्छे से कुक हो जाएगा और कहीं से वो कच्चा रह जाएगा। हम लोग 1 कप बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा बेसन हमने साइड में रखा है, अगर हमारा जो मिक्सर बहुत गीला हो जाएगा तो हम ऊपर से बेसन ऐड करके उसको उसी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। हमारा ये मिक्सर काफी ड्राई हो चुका है, तो अब हम ऊपर से थोड़ा घी ऐड करेंगे। अब इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रखेंगे और उसको स्प्रेड कर देंगे पूरी डिश में, जिससे ये ठंडा हो जाए। और फिर इसके अंदर ये जो कैस्टर शुगर है ना, पाउडर्ड शुगर, वो ऐड करेंगे। ये जो लम्स है ना, इसको आपको अच्छे से तोड़ देना है। फ्रेश आलमंड ऐड करेंगे, थोड़ा ये केसर मिल्क मसाला ऐड करेंगे। दम क्रश की हुई है, अच्छे से मिक्स होने के लिए हम लोग सब पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हम अभी इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। हमारे लड्डू रेडी हो चुके हैं, सो चलिए अब प्रेजेंटेशन करते हैं। तो गाइस, हमारी बेसन के लड्डू रेडी हो चुके हैं, जो आज हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे किसी नए रेसिपी वीडियो में विद सम एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।